ये ऑल इंडिया फाइन आर्ट्स एंड क्राफ्ट सोसाइटी में यह मेरी 21st एग्जीबिशन है और ये एग्जीबिशन पूर्ण रूपेण आपको एक्रेलिक कलर के ऊपर टेक्निकली बेस है. एक्रेलिक कलर से हम करते हैं और ये जितने भी कलर्स हैं आप देख सकते हैं फ्रेश कलर्स आपको मिलेंगे, कहीं भी मडी का इफेक्ट हमारा नहीं है. इन कलर्स के द्वारा हम जीवन के जो लैंडस्केप दृश्य चित्र का जो पार्ट है उसको हम डिपेक्ट करते हैं और कुछ पर्सनल लाइफ सोशल लाइफ को लेकर के हम चले हैं उसको भी डिपेक्ट करते हैं. कलर के द्वारा हम समाज के उन चीज़ों को हम दर्शाना चाहते हैं जो चीज़ें देख के आप अगर थोड़ा एक मिनट के लिए दुखी भी हों तो थोड़ी शांति आ जाए आपके मन में, आप खुश हो जाएं, ऐसा हम चाहते हैं. और इसीलिए आपने देखा है कि हमारे जितनी भी पेंटिंग है उसमें स्ट्रोक्स कलर्स का जो लय है जो उसका रिदम है वो सब बिल्कुल अलग है. उसमें कहीं भी आपको कहीं कुंठा नहीं दिखाई देगा. मैं पेड़, धरती, आसमान, पानी और पहाड़ इनको लेके मैं काम करता हूँ. इन्हीं चीज़ों को लेके उसके एक स्टोन है जिस स्टोन को आप देखेंगे कि बिल्कुल कोई रंग नहीं है, कोई भाव नहीं है, मगर वो आम आदमी को लगता है कि कोई रंग नहीं है, पर जब मैं देखता हूँ उसको तो उसमें बहुत सारे रंग दिखाई देते हैं. क्यों? क्योंकि रेनबो कहीं है मगर विजन में भी मेरे जो रेनबो है वो मुझे स्टोन के ऊपर दिखाई देता है और आपको इसमें तमाम जगह पर मिलेंगे उस चीज़ को. ये हमारी पेंटिंग है जो स्टोन आर्किटेक्चर से जुड़ी हुई है. ये आपको छोटे से स्टोन्स है, देखिए इसमें भी एक लाइफ है, एक फॉर्म है ना, और ये आपका कंस्ट्रक्शन का पूरा रूप है. ये चीज़ें ऐसी नहीं है कि ये चीज़ें कभी मिलती नहीं है, मिलती हैं, हैं, ये बनाई नहीं जाती हैं, ये अपने आप नेचर ने दिया है हमें. और ये ऊपर से देखिए इसके पीछे का लैंडस्केप, इसके नीचे का डिस्टेंस, ये सारी चीज़ें इसमें दिखाई देती हैं हमें. इसलिए आई लव द स्टोन. मेरा लैंडस्केप एक्सपेरिमेंटलिज्म है, एक नया वर्ड है, लैंडस्केप एक्सपेरिमेंटलिज्म, प्रयोगवादी लैंडस्केप. मैं ना तो एब्स्ट्रैक्ट हूँ, ना मैं रियलिस्टिक, मैं एक्सपेरिमेंट, कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ. मेरा जो भी है लैंडस्केप मुद्दा है मगर उसको मैं एक्सपेरिमेंट करके देख रहा हूँ. उसके रंगों को भी मैंने एक्सपेरिमेंट किया है, रंगों का जो प्रेजेंटेशन है अब उसमें एक काइट और ये आपको पैरट को लेकर के जो फोक आर्ट है उस फोक आर्ट को लेके वहाँ पेंटिंग किया हूँ. बिल्कुल रेड कलर की पेंटिंग है, उसमें कोई और कलर नहीं मिक्स किया है. जैसे यूनिक पेंटिंग हमारे हिसाब से है. इसमें आप देख रहे हैं एक तो रेड कलर का बैकग्राउंड है पूरा. ये देखिए सभी, ये पतंग का सीजन होता है ना, मगर चिड़िया पेड़ पे ही लटकती है. और अगर हम मान लें कि पतंग को लटकाए हुए हैं, चिड़िया को लटकाए हुए हैं अगर, तो ये सारे. और फोक फॉर्म में क्या है, सुग्गा जो बनता था वो सुग्गा कहीं ना कहीं एक स्टिक से ऐसे लटका हुआ होता था, उसको हमने कंपोज किया है. और ये पूरे में क्राउड जितना भी है पत्तियों की जगह पे सुग्गे की है, पैरट्स की है, और ये सब वैशाली फोक आर्ट है. मेरा टेक्नोलॉजी के मतलब तकनीकी रूप में जो मेरा इंस्ट्रूमेंट है वो आपको ट्रीटमेंट में मिलेगा, टूल्स में मिलेगा. मेरे में फिंगर्स मिलेंगे, थंब मिलेंगे, मेरे में ब्रश का स्ट्रोक्स मिलेगा, कलर के पैचेज मिलेंगे. ये देख रहे होंगे पैचेज, ये कितने बोल्ड कलर के पैचेज हैं. यहाँ हमने मिक्स नहीं किया, हमने लगाया सो दैट कि हम एकदम मन से बिल्कुल आज़ाद हैं, खुले हुए हैं, हमको कोई कहीं से बंधन नहीं है. हम कलर फेंक के लगाते हैं, हमें कहीं कोई रुकावट नहीं है, किसी तरह का प्रेशर नहीं है हमको काम करने में. इस तरीके से काम करते समय हम चीज़ों को देखते हैं कि हमारा जो भी प्रेजेंटेशन हो
वो यूनिक हो और केवल मेरी पहचान की लायक हो। प्रोफेसर मनोज का सवाल है, नेचर को घर में ले आने की क्षमता इनमें है, अपने कूची से, अपने रंगों से। और जब भी इनको हम देखते हैं तो हमें लगता है कि इनके कला को फैलाने के लिए ऐसे एग्जीबिशन के अलावा भी और बाकी जगह पे भी फैलाने की ज़रूरत है। और जहाँ तक इनके कला की बात है, एक अलग रूप है, वाइब्रेंट कलर्स इनके इनकी खासियत है। और मैं इनके पेंटिंग से बहुत ही इम्प्रेस्ड हूँ और मैं चाहता हूँ कि आने वाले दिन में ये इससे और बेहतर रोस्ट्रम में और बेहतर जगह पे जा कर करके अपने कला को उभारें। अगर हम इसको ध्यान से देखें और नेचर की तरफ ध्यान दें तो इसमें हमें काफ़ी रियलिस्टिक भावनाएं मिलती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, ये बादल है, बादल की मूवमेंट देखिए, बादल की जो सॉफ्टनेस होती है, बादल की सॉफ्टनेस है इसमें, बादल की मूवमेंट है, और उसके नीचे जो हरी प्रकृति है उसका साक्षात स्वरूप हमको देखने को मिलता है। ये एक कलाकार के लिए उसकी जो एक्सपीरियंस होता है, जीवन का एक्सपीरियंस होता है, इसको देखने से मिलता है कि उसमें कितनी परिपक्वता है। जो आर्टिस्ट है वो कितना सुलझा हुआ है, उसके कलर में और उसके एप्लीकेशन ऑफ कलर में कितनी सादगी है कि जो वो इफ़ेक्ट आया है। रामायण में एक चर्चा आती है काकवसुंडी की, ठीक है। काकवसुंडी की जो वचन है, उस वचन को सुनने के लिए ये दरबार लगा है चिड़ियों का। और ये देखिए, पूरे इस खोह में से आपको लाइट मिल रही है और उस लाइट में काकवसुंडी यहाँ है जो चित्रित किया गया है। रेस्ट ये सामने में है और इसको हम देखते हैं, ये हमारा जो एक पंचायत सिस्टम है, जो हमारा कम्युनिकेशन, जो अब मैं प्रोफेसर रहा हूँ तो शिक्षक होने के नाते मुझे अपनी बात कहने का जो एक तरीका है, जो शैली है उसकी, उसको मैं एडमायर करता हूँ और इसलिए उसको प्रतिनिधित्व के रूप में इस चित्र को मैं चित्रित किया हूँ। ये थोड़ी सी अलग है, यहाँ पे कुछ एक संस्कार को लेके दिखाया गया है और ये काशी के ऊपर है। इसमें ये जो टेक्सचर का खेल है, ये इम्पॉर्टेंट है मेरे लिए। इसको मैंने बहुत इन्जॉय किया, इनके हाथों में, इनके चेहरे पे, हर जगह टेक्सचर को मैंने बहुत इन्जॉय किया है और उसी को लेके ये कंपोजिशन किया। वहाँ पे अक्सर रेत पर लोग अपना संस्कार करते हैं और उस जगह पे आपको कुछ नहीं मिलता है, केवल कपड़े का एक शेड ऐसे बना हुआ होता है और उसी में सारी शिक्षा दीक्षा भी हो जाती है। उसको मैंने चित्रित किया और ये मुझे व्यक्तिगत रूप से बहुत ही पसंद है। मैं सिर्फ एक ही चीज कहना चाहता हूं कि जीवन में रंग का जो महत्व है वो किसी और चीज़ से आपको नहीं मिल सकता। जैसे कवि कविता करते हैं, गायक गाना गाते हैं, राइटर लिखते हैं, पेंटर भी कुछ कंट्रीब्यूट करता है ना, वो है कि हम कलर को अपने लेकर के समाज के बीच में रखें, ताकि आप बहुत परेशान हैं, बहुत उदास हैं, मगर एक बार रंग देखेगा, अरे वाह क्या लाल रंग है, क्या ऑरेंज कलर है, क्या काले कलर का इस्तेमाल हुआ है,
तो ये जो कलर का इस्तेमाल है, डिस्टेंस है, पैचेस हैं, ये सब आपके आदमी के जीवन पे असर करता है। उसको हम चाहते हैं कि वो आप देखें, उसको समझें। मैं यही रिक्वेस्ट करता हूँ सबसे कि बी पॉजिटिव, ओनली पॉजिटिव। मेरा आशीर्वाद ये आज तक जो कुछ करते आए उसी तरह से चलते जाइए, बहुत चलते जाइए।